सहकार भारती की ओर से आज बेलापुर में गृह निर्माण संस्थाओं के पदाधिकारियों और सभासदों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई एक्सपर्ट और कानूनी विशेषज्ञों ने सोसाइटी से जुड़े विविध मुद्दों और समस्याओं पर मार्गदर्शन किया। दिन भर चली इस कार्यशाला में सैकड़ों नागरिकों ने भी हिस्सा लिया। देखिए रिपोर्ट। गृह निर्माण सोसाइटियों के विविध मुद्दों और शंकाओं का समाधान करने आज सहकार भारती नई मुंबई द्वारा प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन लाभदायक रहा। बेलापुर में दिन भर चले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कई एक्सपर्ट और कानूनी विशेषज्ञों ने सोसाइटी से जुड़े विविध मुद्दों और समस्याओं पर मार्गदर्शन किया एवं हाउसिंग सोसाइटियों के सभासदों और पदाधिकारियों के विविध प्रश्नों का जवाब भी दिया। कार्यक्रम में बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे, सहकार भारती के जिलाध्यक्ष प्रमोद जोशी, कार्यक्रम सहयोगी एडवोकेट चंद्रकांत निकम, एडवोकेट उदय वारुण जीकर, एडवोकेट शिल्पा सिंगारे तथा विवेक जुगादेव, माबार रनमरे समेत तमाम पदाधिकारी और सभासद मौजूद थे। यहाँ एडवोकेट चंद्रकांत निकम ने सहकार भारती के प्रशिक्षण कार्यक्रम को उपयोगी बताते हुए कहा कि इससे हाउसिंग सोसाइटियों के विवाद निपटारे और उनके संचालन में मदद मिलेगी। वहीं अध्यक्ष प्रमोद जोशी ने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। लोगों को पूरा अपने सोसाइटी में जो जो प्रॉब्लम्स आता है वो प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करने का है, इसलिए जो एजुकेटेड लोग होना मांगता है वो हम 24A सेक्शन के नीचे एजुकेशन देना है, देने के लिए आज का कार्यक्रम आयोजित किया है। और जो आज इधर से जो प्रशिक्षण लेके जाएगा वो हिसाब से अपने मेंबर्स के लिए उसने काम करना चाहिए और वो काम करके सहकार में जो चल रहा है आजकल वो नहीं चलते हुए अच्छा सहकार होना बनता है, इसलिए हम लोग ये संदेशा देते हैं उनको कि सहकार अच्छा बनाओ, जो सशक्त सहकार हुए। ये जो हाउसिंग सोसाइटी है ये कोई प्रॉफिट एंड लॉस का ये नहीं है, तो अपने सहकार में अपने प्रॉपर्टी की अपन हिफाजत करने के लिए ये बनाया हुआ है। सहकार भारती नवी मुंबई के तरफ से हम लोग लास्ट 3 साल से अलग अलग कार्यक्रम ले रहे हैं। ये नवी मुंबई, मुंबई, थाना, पनवेल, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट के लिए बेलापुर में आज सहकार भारती का हमने हाउसिंग अधिवेशन बुलाया था। इसमें अनेक मान्यवर तज्ञ कोऑपरेटिव सेक्टर में आए हैं। नवी मुंबई, मुंबई, पनवेल के अनेक सोसाइटीज़, 500 से ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उनके पदाधिकारी मेंबर्स ये भी आज ज्वाइंट हो गए। बेलापुर के लोक प्रतिनिधि मंदाताई मात्रे अमदार मैडम ये भी उपस्थित थे और सहकार भारती के अध्यक्ष प्रमोद जोशी सर और हमारे अनेक कार्यकर्ताओं के सहयोग से ये कार्यक्रम हमने आज नवी मुंबई में सक्सेस किया है। ये हमारी अलग अलग कार्यक्रम का एक भाग है। हर 15 दिन में हम लोग सहकार भारती के माध्यम से ज़्यादा कोऑपरेटिव सेक्टर में जो भी उनको प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने के लिए हम कोशिश करते हैं और बायलॉज, नया नया गवर्नमेंट के GR, GDC एंड एग्जाम्स और जो पार्किंग इशूज़, ऐसे अलग अलग इशूज़, डीम कन्वेंस, ये सब हम लोग मेंबर्स के जैसे क्वेश्चन आते हैं हम लोग वो स्टेट लेवल तक फॉरवर्ड करते हैं। हमारा आवंदी में अधिवेशन स्टेट लेवल का हुआ, हमारा लखनऊ में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, तो ऐसे अधिवेशन भी हम अलग अलग जगह करते हैं। मुंबई में भी 2 साल पहला हाउसिंग अधिवेशन हमने बड़ा तरफ से लिया था, तो ये सहकार भर्ती नवी मुंबई में भी जोश हो से पूरा कार्यकर्ते काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।